सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन, क्या हाल है दर्शकों का, एक बार फिर से स्वागत है दर्शकों का एक और नई पबजी लाइट गेम प्ले वीडियो के अंदर। तो देखो यार, आज का गेम प्ले वीडियो ना काफी ज्यादा रश वाला होने वाला है, क्योंकि यार आज मैं खेलने वाला हूँ बहुत दिनों के बाद डुओस स्क्वाड। तो बस यार वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अब इस वाले मैच के अंदर मैं क्या जाते भाई डुओस स्क्वाड, और भाई मैं तो जाते भाई ओल्ड बेसिन के अंदर। यहाँ पर मैं बंदों की बात करूँ ना तो भाई लिटरली काफी ज्यादा बंदे आते हैं। बस तुम फाइट्स एंजॉय करो। वॉच आउट। मार्क द लोकेशन। अब देखो सामने में बंदे को नॉक करता हूं और भाई तुरंत ही फिनिश कर देता। उसके बाद अब यहाँ पे जीत्री का एमो था ना वो खत्म हो चुका था, और जैसे मेरे को ऊंची मिलती है भाई सामने मेरा जो टीममेट है ना भाई वहां पर एक बंदे के पुष्ट पा रहे थे, मैं सीधा वहां चला जाता हूँ। और भाई यहां पर होता ये वाले भाई साहब जिनको मैं इजिली नॉक एंड फिनिश करता हूँ। फिनिश देने के बाद I got supplies. अब ये तो एक बोट होता, बट मैंने ना पीछे की साइड एक बंदे को ऑलरेडी नॉक करके रखा था, तो यहाँ से लूट करके मैं वहां से जाने वाला था। और तभी I got supplies. अब अगेन यहाँ पर पहले तो एक बोट आता है, और यहाँ पर ना मेरे पास ज्यादा कुछ मतलब जीत्री का एमओ वगैरह था नहीं, तो भाई मैं अपने टीममेट्स यहाँ पे एमओ वगैरह ले लेता हूँ। जैसे एमओ लेता हूँ इनमें से एक बंदा ना भाई रोटेट मारता है, और यहाँ पर काजल जी को भाई इजीली नॉक एंड फिनिश दो। अब आ रही थी इनके टीममेट्स के जो कि होते हैं सामने वाली घर की साइड जिसको मैं नॉक किया था। अब इस बंदे की तुम स्पीड देखना। अब ये बंदा रिवाइव होने के बाद मतलब इसके पास हील वगैरह थी नहीं, तो भाई 1 HP होता तो मैं इजीली इस वाले बंदे को फिनिश कर लेता हूँ। अगर इसके पास हील होती ना तो भाई मैच खत्म था मेरा यहाँ पर। अब इस वाले बंदे को फिनिश करने के बाद ओल्ड वेस्ट में ज्यादा बंदे थे नहीं यहाँ पर, मतलब कोई भी नहीं था, तो भाई गार्ड लेके हम लोग सीधे यहाँ पर आ जाते हैं। और यहाँ पर आते ही मैं यहाँ पे दो बंदों को नॉक करता हूँ। अब दोनों को फिनिश करने के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ पर और कोई भी बंदा वगैरह नहीं है, तो यहाँ से लूट करके अब जैसे मैं यहाँ से गाड़ी लेके निकलने ही वाला था तभी देखो फिर उसकी साइड से मेरे को एक बंदे के पुश्त आते हैं। और ये होता है इस वाले स्क्वाड का आखिरी बंदा, इसी के साथ ये वाले स्क्वाड भी अभी खत्म हो जाती है। अब इस वाले स्क्वाड को निपटाने के बाद अब यहाँ से हम लोग गाड़ी लेके अब सीधा हम लोग सेंट्रल रोड की साइड से होते यहाँ पे ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की साइड आते हैं। अब जैसे हम लोग यहाँ पर आते हैं देखो सामने एक गाड़ी खड़ी है, मतलब यार बंदे होने चाहिए यहाँ पर, बस तुम देखो यहाँ पर क्या सीन होता है। Watch out. भाई गलत टाइम पे अब मेरे स्कोप ओपन हो गया था, अब एक बंदे को नॉक कर चुका था। फटाफट से फिनिश करता हूं। अब देखो दो बंदों को मैं यहां पे नॉक कर चुका था। अब इसके बाद देखो ये वाला जो नॉक होने के बाद यहां से भाग रहा होता, तो भाई मेरे को लगा कि सर इसके टीममेट अभी भी बचे हुए होंगे, तो यहां से हील करके अब जैसे मैं अभी क्लोज इन करता हूं ना, अब तभी ये बंदा यहाँ पर सरेंडर कर देता, मतलब अपने लूट वगैरह यहाँ पे डाल देता, मतलब इसका कोई भी टीममेट यहाँ पर नहीं है। तो इस वाले बंदे को वापस हम लोग फिनिश करते हैं, और फिनिश करने के बाद अब गाड़ी लेकर देखो सीधा हम लोग यहाँ पे सेंट्रल रोड की साइड आते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ बॉट्स फायर आ रहे थे। अब बॉट्स निपटा ही रहे होते हैं तभी देखो सामने से मतलब ये बंदा टॉमी से स्प्रे दे रहा, तो मैं इजीली सिंगल टैप से मतलब दो हेड देके बंदे को नॉक करता हूं। अब नॉक करने के बाद
अब बिना देर के हम लोग सीधा यहाँ से गाड़ी लेते हैं, और गाड़ी लेने के बाद अब सामने से देखो मतलब एक कैंप वगैरह चले, मतलब उसका टीममेट है वहां पर जो कि शायद रिवाइव कर रहा होगा, और भाई बिल्कुल वैसा ही सीन होता है। अब ये बंदा भाई ओपन में रिवाइव कर रहा था, इसी के साथ इस वाली स्क्वाड को भी हम लोग इजीली यहाँ पे फिनिश वगैरह कर लेते हैं, और फिनिश करने के बाद यहाँ से आराम से लूट वगैरह कंप्लीट करेंगे। अब लूट वगैरह करने के बाद अब जो सर्कल था ना वो फिर से यहाँ पे ओल्ड बेसिन की साइड ही बना था, तो हम लोग गाड़ी लेके यहाँ पे थोड़ा मतलब थर्ड की साइड से होते हुए सीधा ओल्ड बेसिन की साइड जाते हैं। और भाई यहाँ पर आने के बाद देखो मेरे टीममेट ने यहाँ पर कुछ मार्क वगैरह करता, भाई मेरे को लगा कि शायद यहाँ पर बंदे होने चाहिए। अब जैसे उतरता हूँ अब भाई मेरे को ये नहीं पता था यहाँ पे कंटेनर के पास एक बंदा मतलब टीपी भी लेके खड़ा है, एंड वो भी स्पीड हैकर। अब यहाँ पे टीममेट भाई बहुत अच्छी ट्राई किया था, मतलब एक बंदे को नॉक भी करता, दूसरा भी 1 HP होता, मेरा टीममेट ऑलरेडी 1 HP होता, वरना भाई निपटा देता इनको। अब आते इस वाले गैम प्ले के अंदर, अब जहाँ फिर से हम लोग उतरते यहाँ पे फैक्ट्री के अंदर, और भाई हमारे साथ यहाँ पे पूरी की पूरी स्क्वाड लैंडिंग कर लेती है, और पहले बंदे को नॉक एंड फिनिश देने के बाद देखो सामने दो बंदों को फिनिश करता, उसके तीसरे बंदे के भी फुस्टे मेरे को नीचे की साइड से आ रहे हैं। भाई मतलब लिटरली काफी शॉट मारा इसको, 3 बंदे नॉक हो चुके थे, बस इनका लास्ट वाला बंदा जो कि मतलब देख रहे हो बंदे के बाद जीत रही है। अब यहाँ पे देखो मेरा टीममेट भी नॉक हो चुका था, मेरे पास सिर्फ 2 MM बचे थे, वो भी शॉटगन की, और बस तुम देखो लिटरली यार क्या ही हेड लगा है भाई, इसलिए तो मैं IFS जीत भाई का फैन हूँ यार, यही बात के लिए फैन हूँ मैं। अब इसी के साथ देखो यहाँ पर फैक्ट्री में सिर्फ एक ही स्क्वाड है, जिसके बाद हम लोग गाड़ी की तरफ आते हैं, तभी देखो सामने मतलब नीचे की साइड से एक गाड़ी स्पॉट होती है, मतलब बंदे हैं नीचे की साइड, और सामने भी से देखो मतलब कुछ कंसाउंड आ रहे थे। अब ओपन में मेरे को एक बंदा स्पॉट हुआ, जिसको मैं लेट के यहाँ पे स्प्रे था, वो बंदा डायरेक्ट फिनिश होता, मतलब मैं समझ चुका यहाँ पे सारे बंदे खत्म हो चुके हैं, और उसके बाद गाड़ी लेके अब यहाँ से हम लोग जाहिर होते, तभी हमको एक बंदा स्पॉट होता है जो कि स्क्वाड्स की साइड होता है। जैसे यहाँ तो यहाँ पर दो दो फुस्ट पा रहे थे, अब सामने मतलब जो पैनिक रूम है वहीं पे बंदा कैंप कर रहा होता है, और अब बस देखो क्या ही सरप्राइज देता हूँ उसको। अब यहाँ पे जो दो बंदे थे उन दोनों को तो मैं नॉक कर चुका था, बट मेरे टीम मेट को यहाँ पे कहीं दूर से यहाँ पे स्काल से पड़ी है, एडोस वाले बंदे को हम लोग फिनिश करेंगे जो कि स्पीड हैकर होता है। फिलहाल वाटर सिटी के देखो सारे बंदे खत्म नहीं हुए, मतलब जैसे रिवाइव कंप्लीट करता हूँ भाई सामने से देखो एक बंदा स्पॉट होता है, अब उसको भी मैं यहाँ पे डैमेज दे चुका था। तो भाई पहले तो हम लोग यहाँ पे नोक वाले बंदे को फिनिश करते हैं, फिनिश करने के बाद सीधा गार्ड यहाँ पे पुश कर देते हैं, और जैसे यहाँ पर आते एक बंदे को नोक था, इनका जो लास्ट वाला बंदा था ना उसको तुम देखो बस वो बंदा कहाँ कैंप कर रहा है। और भाई ये होता आखिर ये बंदा इसी के साथ, ये वाली स्कोर तो खत्म हो चुकी थी, बट तभी अब जैसे मैं गाड़ी की तरफ जाता हूं तभी देखो मेरे को एक गाड़ी का साउंड आता है, भाई मतलब क्या ही गाड़ी चला रहा है ये बंदा। अब यहाँ पे देखो बंदे को मैं ऑलरेडी डैमेज दे चुका था, बंदा गाड़ी के पीछे यहाँ पे हील कर रहा होता, मैं इजीली गाड़ी को फिनिश करके भाई उसको भी फिनिश कर देता हूँ, और फिनिश करने के बाद यहाँ पे देखो कुछ बोर्ड्स वगैरह आते हैं उनको निपटाता हूँ। उसके बाद अब यहाँ से हम लोग सर्कल में जा ही रहते,
मतलब ये सीन तो नॉर्मल ही है, मतलब क्या ही बताऊं। तो गाइस आई होप मेरे वाला गेम प्ले भी तुम्हें पसंद आया, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। सो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट गेम प्ले के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।